स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अमन दायल और आज हम देखने वाले हैं हरियाणा सरकार की रिसेंटली लॉन्च हुई ई पौधशाला ऐप को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको बड़ी इजीली ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी डाल दिया, वहाँ से आप क्लिक करके भी खरीद सकते हो। अगर आप iOS यानी एप्पल यूज़ करते हो तो भी ये आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यूज़ कुछ खास अच्छे नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, बहुत सारे इसमें इश्यूज़ हैं। पर मैं आपको आज दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें से पौधे अपने घर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, इंस्टॉल हो गई है और अब हम इसको ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे ऐप तो आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर जो है दो चीज़ें चाहिए होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, जो सबसे बेसिक है। और इसके अलावा सिर्फ एक आधार नंबर आपका वो चाहिए होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर चाहिए होगा। नाम और फ़ोन नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा आपको, 4 डिजिट का OTP आपने डालना है। और OTP डालने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई देती है कि जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, कि आप किसी शहर से हैं या गांव से हैं। तो जैसे मैं गांव से हूँ तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अपना सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक लिस्ट पॉपुलेट होगी जिसमें आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, तहसील के बाद आपको अपना गाँव सिलेक्ट करना है। तो अगर आप शहर से हैं तो आपको सिर्फ आपका तहसील और डिस्ट्रिक्ट दो ही चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी और कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मैंने अपना गांव जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप अपना गांव सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा जहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं, बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं, कि आप अपने इंडिविजुअल मतलब अपनी कैपेसिटी पे खुद के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, आप सरपंच हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। तो मतलब इसमें अलग अलग लिमिट्स दी हुई हैं। तो अगर एक इंडिविजुअल यानी अपनी कैपेसिटी की बात की जाए तो 10 पौधे आप ऑर्डर कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। एंट्री डिटेल्स, इस पेज पर आपका आधार नंबर मांगेगा जो मैंडेटरी है। आधार नंबर आप डालते ही इस तरीके का कुछ पेज आपको देखने लगेगा। तो चलिए, ऐप जो है इंस्टॉल भी हो गई है, लॉगिन भी हो गया है, अब देख लेते हैं ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो ये होम पेज इसका खुलता है ऐप का जैसे ही। तो अगर आपको लेफ्ट साइड जो हैमबर्गर है या 3 जो बार हैं इस पर क्लिक करेंगे तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर आपका नाम दिखेगा यहाँ पर, और इस ऐप के बारे में क्या मतलब कहाँ का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत लिखी हुई हैं बस, ये तो कॉपी पेस्ट वाली, इसमें हमारे काम का कुछ नहीं है। और इसके अलावा एक फीडबैक फॉर्म है कि अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, बट जवाब आए ना इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे होम पेज पे सीधा जाने का ऑप्शन है, और राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आप देखेंगे 2 बटन दिए हुए हैं, जहाँ पे एक आप अपनी कार्ड देख सकते हैं या बैग देख सकते हैं जहाँ से जो आपने ऑर्डर किया है, और दूसरी चीज़ है कि नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देखेंगे मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया दो, उसका जो टाइम है वो तो गलत दिखा रहा है क्योंकि मैंने आज सुबह किया था, और ये जो टाइम है इसका 1:00 कुछ मिनट दिखा रहा है जो कि काफ़ी गलत है। बट मैटर नहीं करता क्योंकि नई अभी रिसेंट ऐप जो लॉन्च हुई है थोड़ा सरकारी सिस्टम की बनी हुई है, तो भैया ऐसी गलतियां तो हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम से, हमें जो हमारा एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहना चाहिए। और एक अच्छी चीज़ जो शुरुआत की है सरकार ने उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब आपको देखेंगे कि इसमें 2 तरीके हैं पौधे ढूंढने के। एक तरीका है कि आप बाई लोकेशन या फिर बाई प्लांट ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है बाई प्लांट ढूंढने का। तो यहाँ पर मान के चलो मैं लिखता हूँ अमरूद, और इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं, कि गुआवा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल आप जिस देसी भाषा में लिखेंगे अमरूद तो आपको ये देखो कुछ सारे लोकेशन जो है यहाँ पे कम हो गई, इसका मतलब इन्हीं नर्सरीज़ के अंदर जो अमरूद के पौधे हैं वो अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ चलते हैं, O2 के पास दिखा रहा है, और ये एक गाँव है जिस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि गाँव का नाम दिखने लग जाए उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ की सारी इन्वेंट्री जो होगी मतलब जो जो पौधे अवेलेबल होंगे वो आपको सारे दिखाने लग जाएंगे, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जो आपने सर्च किया वही दिखेगा, इस नर्सरी में इसके अलावा जो भी पौधे अवेलेबल होंगे वो सारे दिखाएगा, और कितनी क्वान्टिटी में अवेलेबल हैं वो भी दिखाएगा, और प्लस कितना उसका चार्ज लग रहा है। तो चार्ज मोस्टली मैंने आसपास देखा है कि जितनी भी नर्सरीज हैं उन सब में फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो पौधे हैं या बेसिक जो हमारे इस सीज़न में मतलब हमारी जो मिट्टी में हो जाते हैं वही पौधे अवेलेबल होते हैं। और दूसरा ऑप्शन था जैसा कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ से लोकेशन से आप सर्च कर सकते हैं, कि मतलब नर्सरी की लोकेशन से क्लिक करेंगे तो आपके आसपास जितनी भी नर्सरीज होंगी जो मैप का इंटरफेस खुलेगा वो सारी नर्सरीज आपको दिखाने लग जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वहाँ पर जो अवेलेबल पौधे हैं वो उनको देख सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ O2 पर क्लिक करता हूँ तो इस गांव की नर्सरी में जो भी पौधे अवेलेबल हैं उनकी क्वांटिटी उनका प्राइस दिख जाएगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि यहाँ पे जो पेड़ यानी पैसे देके खरीदने वाले कोई पेड़ नहीं है, बस सारे सिंपल वाले ही हैं मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ही हैं सारे। तो और कोई नर्सरी ट्राई करते हैं थोड़ा दूर की जिसमें हो सकता है कुछ हमें पैसे देके खरीदने वाले पेड़ भी मिल जाएँ, ताकि ये भी पता लग सके कि कौन कौन से वो पेड़ हैं। बट अगर मैं डब वाली में जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे कोई ऐसा पेड़ नहीं दिखा जिसके हमें पैसे देने पड़ रहे हों, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। क्वांटिटी जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, मैक्सिमम 10 क्वांटिटी आप अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अपने लिए ऑर्डर कर रहे हैं घर के लिए तो 10 पौधे मैक्सिमम ऑर्डर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे भी नहीं है, ना तो श्री गांव में भी मैंने चेक किया। वही पौधे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपको, मतलब बिना किसी पैसे के आपको मिल जाएंगे बेसिक बेसिक से, बट कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो अब यहाँ से मान के चलो, अब देखेंगे कि कार्ट पे जाके मैंने जब चेक किया तो मैंने एक पौधा ऐड किया था उम्मीदपुरा की नर्सरी से, और यहाँ पे ये पूछता है मेरे से कि भैया कितनी क्वांटिटी में करना है। वहाँ पे आपको बस सिलेक्ट करना था, यहाँ से आप क्वांटिटी जो है चेंज कर सकते हो। जैसे अभी एक दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो आप एज ए इंडिविजुअल कर, मतलब अपने लिए कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 10 इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि ये प्लांट कहाँ लगाने हैं आपने, घर पे लगाने, किसी साइट पे लगाने, स्कूल में लगाने, कहाँ पे लगाने, तो वो आपको ऑप्शन इसमें डालना होगा और प्लेस ऑर्डर कर देंगे। दोस्तों बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो नर्सरी से जाके कलेक्ट करने होंगे पौधे जो आपके घर पर डिलीवर नहीं होते हैं। उम्मीद है भी दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।